महाराज की जय हो। महाराज, समाचार है कि देवराज इंद्र देवताओं सहित आपसे भेंट करने आ रहे हैं। इंद्र और देवता, सेना आदि कुछ भी नहीं? नहीं गुरुदेव, वे सभी निशस्त्र हैं। ये तो बड़ा सुंदर अवसर है, उन्हें बंदी बना लेना चाहिए। शत्रु को कभी आरक्षण का अवसर न दिया जाए। मैं असुर राज विरोचन सुदबलि देवराज इंद्र का उपस्थित सभी देवगणों सहित स्वागत करता हूं। पधारिए महानुभाव। महाराज बलि, हम आपके पास अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। आप सब पहले राजकक्ष में तो पधारिए। क्या महात्मा प्रहलाद के पौत्र इस अकिंचन बलि को इतना भी अधिकार नहीं कि वो घर आए अतिथियों का सम्मान पूर्वक स्वागत कर सके? अंदर पधारिए बंधु। आपने किस प्रयोजन से हमारे यहां पधारने की अनुकंपा की है? हे विरोचन पुत्र महाराज बलि, पृथ्वी की वानस्पतिक संपदा के अतिरिक्त समुद्र में भी अकूट विषदा समाई हुई है। इसमें असंख्य मणि माणिक्य और बहुमूल्य रत्न आदि छिपे हुए हैं। इसमें अनेक दुर्लभ औषधियां भी सम्मिलित हैं तथा और भी अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ इसके गर्भ में डूबे हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि असुरों के सहयोग से समुद्र मंथन करके उन सारे दिव्य पदार्थों को जल से बाहर निकाला जाए। इस सारी निधि को प्राप्त करना अकेले न हमारे लिए संभव है न आपके लिए। यदि हम दोनों की शक्ति आपस में मिल जाए तो यह असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। महाराज की जय हो। महाराज, समाचार है कि देवराज इंद्र देवताओं सहित आपसे भेंट करने आ रहे हैं। इंद्र और देवता, सेना आदि कुछ भी नहीं? नहीं गुरुदेव, वे सभी निशस्त्र हैं। ये तो बड़ा सुंदर अवसर है, उन्हें बंदी बना लेना चाहिए। शत्रु को कभी आरक्षण का अवसर न दिया जाए। शत्रु और सांप, ये विश्वास के पात्र नहीं होते महाराज। परंतु अपने द्वार पर आए हुए एक निशस्त्र शत्रु पर वार करने में असुर कुल का गौरव कितना बढ़ेगा, इसका निर्णय तो कुलगुरु शुक्राचार्य ही कर सकते हैं। इस समय वो अतिथि हैं, हमारे द्वार पर अवश्य कुछ मांगने आए हैं। महाराज, शरण में आए शत्रु और समर्पित नारी को आश्रय देना राजा का नैतिक दायित्व है। जो आज्ञा गुरुदेव।